हाँ भाई, इधर आ। तेरे शिकायत चल रही है तेरी। ट्रेन सर्विस और उसकी टंकी फुल होने के बाद ही मैं चाबी एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं नहीं मत करना फिर। दोस्तों हल्क तैयार है और इधर आपका बैटमैन भी तैयार है। अब दोनों पंख निकालेंगे और उड़ जाएंगे। बैटमैन नहीं उड़ता है ना, हल्क उड़ता है। तूने तो यार रेल बना दी, थोड़ा रुक जा आराम से, होश तो ले लेंगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज देखो कि आज का नज़ारा कुछ खास है, मैं दिखाता हूँ। वैसे तो ये कमरा रहता है बहुत गंदा, आज सुबह से पर्सनली भाई साहब ने सफाई की है एकदम चकाचक। और वजह तो आपको पता ही होगी क्या है। क्या वजह है मैं नहीं बता रहा, मैं बता देता हूँ। तो गित्तू जी वापस आ रही है रहने इसी कमरे में, तो खुशी का ठिकाना नहीं है। परफ्यूम वर्फ्यूम मार लिया एकदम बढ़िया है, फ्रेश व्रेश कर ले एकदम रजाई पे। देखो रजाई एकदम नई वाली खोली है आज, करना ही पड़ेगा। अब क्या करें, तुम्हारी साली है तो थोड़ी मेहमान नवाजी तो करनी पड़ेगी। हाँ, अब साली की बहन को देखा जाए किधर है। साली की बहन, ओ साली की बहन, देखा अपने देवर को कैसे कमरा चमचमा रखा है एकदम। चमचमाने दो कमरा, तो वैसे भी उससे हथियाया जाएगा, अब सोएगा 5 दिन। हाँ तो उसी गायत्री के लिए तो कर रहा है साफ सफाई, अपने लिए तो तुझे पता ही है, इसको तो आदत है। जैसे वो मैं बोलूंगा नहीं, मतलब कि दुनिया अपने कपड़े तक नहीं उठाता, ये एक एक हफ्ते तक बाहर में जो निकाल के रखती हूँ। हाँ भाई, इधर आ, तेरे शिकायत चल रही है तेरी। वैसे इसको गंदगी में रहने की आदत है, पता है तुझे। हाँ, गंदगी तो ये है ही ऐसा, उसमें गंदगी में, गंदगी में रहने की आदत किसको होती है, एक बार कमेंट करके बताना जरा। कहाँ गया ये देख, कुछ कहना चाहेगी, टिप्पणी करेगी इसके ऊपर। गंदा तो ये रहता ही है, महीने दो महीने में एक बार इसका रूम साफ होता है बस, वो भी ज्यादा टोक टका दूं मैं कि बाहर बहुत गंदगी हो रही है साफ कर ले तब। लेकिन इम्प्रेशन जमाने का मौका नहीं छोड़ता है। आज तो पूरा साफ होगा कमरा, कल उससे ऑक्यूपी। तुम्हारा क्या शेड्यूल है आज का? मेरी आज स्किन केयर वीडियोस चल रही हैं, तो जिसको भी देखनी है मेरे मेन चैनल पे आ जाओ शिल्पा खटवानी पे, और वहाँ पे देखो स्किन केयर मेकअप ज्ञान फ्री। आज ये बनाएगी पूरे दिन स्किन केयर की वीडियो, और हम जा रहे हैं, मैंने गाड़ी पे कराई थी पीपीएफ, तो उसकी वॉश होनी है आज, और साथ में ये भी जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा इनकी थार भी गंदी हो रही है उसे भी धुलवा दो ना फ्री में। खुद से लेके जाता तो पैसे दे दूंगा, मैं खुद करा। चल चल चल, एक बार मैं करवा देता हूँ, जब गाड़ी दी है तो एक बार वॉश करा के भी देता हूँ। सर्विस तो करानी है, ये तो बोल दे शादाब, गाड़ी दी है तो एक बार टंकी भी फुल करा। देख गाड़ी, इसका गाड़ी का इंश्योरेंस ड्यू हुआ था इसको देने के बाद। इंश्योरेंस सर्विस और उसकी टंकी फुल होने के बाद ही मैं चाबी एक्सेप्ट करूंगा, वरना मैं मत करना। तो गाड़ी ले ली दोस्तों, उसका इंश्योरेंस हो गया ड्यू 2 दिन बाद। कह रहा इंश्योरेंस तो तुम्हें करा के देना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस तो मैंने करवा दिया, अब सर्विस तो खुद करा लेगा। अब तो इंश्योरेंस, अब तो ब्लॉग चल पड़े, थोड़े बहुत तो पैसा आ रहा होगा भाई। आ रहा है चिल्लर पैसा आ रहा है मेरे पास। तो चल ठीक है, एक बार सर्विस करा के भी दे देंगे, एक बार धुलवा देता हूँ, ठीक है, चमकवा देता हूँ। तो तुम करो अपनी स्किन केयर रूटीन, दो लोगों को और सिखाओ उनकी स्किन कैसे चमकेगी मेरी तरह और तुम्हारी तरह। और जब तक मैं गाड़ी धुलवा के आता हूँ वापस, और फिर मिलता है थोड़ी देर में, शाम को जाएंगे कहीं बाहर करेंगे नाश्ता, ठीक है मोटी। नाश्ता चलो बाय, जाओ बाय गाइस। तो साजिद तो अभी तक आए नहीं है, बट एक बड़ा सा पार्सल आया है उनका, खोल के दिखाती हूँ। साजिद आएंगे बहुत ही खुश हो जाएंगे देख के, क्योंकि ये पार्सल आया है यूट्यूब से। क्या भेजा है यूट्यूब ने मेरे को समझ नहीं आ रहा है, बस मैं रख दे रही हूँ, साजिद आएंगे उनके सामने अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे कि क्या है। देखो आ गए, गाड़ी धुल रही है इनकी, इंजन गर्म है तो धुआं तो निकलेगा ही, जब पानी लगेगा तो अपनी गाड़ी चल रहा है। ओ भाई गाड़ी वॉश हो गई है फाइनली। क्या होता है ना, 7 दिन के बाद पीपीएफ में वॉश करते हैं वो खुद से, और देखते हैं कहीं से पॉलिथीन कुछ उखड़ तो नहीं रही है, तो उसको हीट करके सेट करते हैं। तो हमारी गाड़ी हो गई है रेडी और जा रहे हैं हम घर। तो अभी कोई पार्सल भी आया, बीवी ने बताया यूट्यूब से, पता नहीं क्या है साथ में ये परवेश बाबू हमारे। हाँ भाई कैसा लग रहा है गड्डी च बैठ के? बहुत ही बढ़िया। तो सबसे ज्यादा बड़ा सपना परवेज का था, बीएमडब्ल्यू लेनी है, बीएमडब्ल्यू लेनी है, और वो अल्लाह ने पूरा कर दिया। वो अल्लाह ने पूरा कर दिया, और ये खुश भी सबसे ज्यादा यही है आदमी। हालांकि इसको चलाने को नहीं मिली है, तो अभी चलाएगा ये, सबसे पहले इसी को चलवाते गाड़ी। आगे रोकता हूँ, तू चलाइयो। तो ये देख रहे हो एकदम मस्त शाइन आई है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ यहाँ से, बाहर से बाद में दिखाता हूँ गाड़ी आपको। क्या कह रहा था परवेश तू? मैं कह रहा था मैं इतने पैसे लगा दिए पीपीएफ करवा लिया, वो ठीक है बम्पर तो लगवा ले जैसे उस गाड़ी में लगे हुए हैं, किसी ने मार दी तो। कौन सी, वो जो बलिनो वो जा रही है मारुति? अच्छा पीछे बम्पर ये आइटन वाला? हाँ हाँ ऐसा। अच्छा ये भी लगवाना है? हाँ तो रहेगा ना, डर नहीं रहेगा ना चलाने में, तो आगे लगवाओ पीछे भी लगेगा, आगे पीछे दोनों में होना चाहिए। लो भाई यार ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, गाड़ी ले ली और इसमें वो लगवाया नहीं बम्पर गार्ड लगे हुए। हाँ यार लगे हुए थे, इसमें भी लगवाएगा? हाँ इसमें भी। कहाँ लगेंगे? आगे पीछे लगेगा, कहाँ
आ गए और पीछे अब कहाँ से लगवाना है मार्केट। अच्छा सेक्टर 16 में चल रहा है, भूपेंद्र जोगी की तरह कर रहा है हर चीज में आगे पीछे। चलो भाई बम्पर लगवा दे, बताओ कमेंट करके बताओ लगवाना चाहिए कि नहीं आगे पीछे बम्पर गार्ड BMW में। हाँ भाई साहब नहीं मेरी खतरनाक ड्राइविंग है ना तो वो सही रहेगा। चल भाई लगवा देंगे यार, क्या बात कर रहा तू, कहाँ है? अरे अभी खोल दिया, पहले ही खोल दिया सारा। बेगम कहाँ है? तो YouTube से कुछ आया हमारे चैनल के लिए, मुझे भी नहीं पता था, पीछे से रिसीव हुआ है। बेगम कहाँ हो, दिखाओ क्या है YouTube से। चलो अनबॉक्सिंग करें। अच्छा चाय चल रही है। ओहो तुम्हारे लिए शलजम कीमा भी बनाया है। वेरी गुड। आओ चिकन कीमा। ऑब्वियसली चिकन कीमा, रेड मीट तो हम खाते नहीं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कभी कभार तो चलता है, कभी कभी वैसे ज्यादा। ये देखो पहली खोल के बैठा है ये। आया भाई कुछ यूट्यूब से, यूट्यूब शॉर्ट साजिश शायद। ये क्या है, क्या ये शादाब जी बताएंगे। स्पीकर, स्पीकर है, स्पीकर। ऐसा कैसा स्पीकर है ये, लग तो स्पीकर ही रहा है ये, जो भी है बहरहाल चेक करेंगे इसको। और क्या गाने रहेंगे, और क्या क्या है ये, इसका चार्जर है देखिए चला के। तो ये क्या है, सब दिखा रहे हैं, रुको। वाह ये तो शिल्पा सब्जी लेने जाएगी तब काम आएगा। परवेज इसमें झोला है, इसमें सब्जी लेके आएंगे। इसको डिलीवरी वाला बना दो ना बैग, और लाओ इसे मुझे दो अम्मी को। और ये लैपटॉप बैग है जिसपे लिखा है साजिद शाहिद यूट्यूब शॉर्ट्स के। वो हो गया तुम बेताज बादशाह, जो तुम्हें गिफ्ट मिला है, हमें तो ना मिला, पता नहीं कोई मेल भी नहीं आया था। ये स्टिकर भी है, ये मेरी बेटी को मिलेंगे। चल गया चल गया चल गया। ये एम्पलीफायर लग रहा है, रेडियो लग रहा है। तू मेरी मैं तेरा एम्पलीफायर। चलो भाई नहीं इतना बड़ा राइटिंग पैड। अरे वाह शहर के तो मजे आ गए। नहीं नहीं शहर को नहीं मिलेगा ये, एक है बच्चे दो है, इतनी बड़ी लड़ाई हो जाएगी ना। ये तो राइटिंग पैड निकला, ये तो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। साजे ये अल इसको लेकर बैठा रहेगा। सारा सामान बट गया यूट्यूब से जो आया था, ये एक थैला किसको चाहिए, किसको चाहिए ये शहर, ये आपको चाहिए, और स्टिकर्स किसको चाहिए, ये मेरे लिए है लैपटॉप बैग, लैपटॉप बैग स्टिकर। तुम्हारे लिए थैला है, रेडियो है, पता नहीं क्या है, वो चला के देखूंगी शायद, पता नहीं क्या हो गया। मैडम ने मटन खाया था कल, वो इनके दांत में फंस गया है। अरे मैं वैसे खाती नहीं हूँ, मैंने थोड़ा सा खाया और मेरी पूरा ये जॉ दर्द कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में से तुम बाहर निकालते हो ना, दांत में दर्द या आंख में। मैं चेक करूंगा, कुछ बड़ा टुकड़ा मुझे फंसा हुआ नहीं है, वो तो मैं देखने के बाद बताता हूँ। दोस्तों मैं जरा इसका दांत का कुछ जो फंसा हुआ निकाल देता हूँ। क्या तकलीफ हो गई अब ये बता। तकलीफ ये हो गई है, तुमने ये चार ड्रॉर बनवा के दिए थे। बिल्कुल दिए थे। तो अब तुम देखो ये मेरे बैग्स, ये मैं जिन ब्रांड्स के साथ काम करती हूँ, शूट का सामान ठीक है, मेकअप का, और इसमें मेरे जिन ब्रांड से कपड़े आते हैं शूट करने के लिए, वो ये हो गई फुल। अब बची थी ये वाली तीन दराज, तो आज मैंने ये एक इसमें मतलब घर के सामान रहते हैं थोड़े, आज मैंने ये सुबह खाली की, तो अब ये सुबह खाली की है, सुबह से अभी तक इतना सामान आ चुका है। लो भैया देख लो, और इस महीने के मेरे चार शूट और है, वो अभी ये परसों ये भी भर जाएगी। तो तुमने तो अपने फॉलोअर्स को गिफ्ट करने की बात की थी, पिछले वाले का भी अनाउंसमेंट तुमने किया नहीं है, अभी दे दो बेचारे। दो ना अनाउंसमेंट, मैं तो दे दूंगी, मुझे कोई काम आ जाएंगे। पूरा पूरा एक स्किन केयर का रूटीन बना के दे दो, तीन तीन चार चार प्रोडक्ट का। चलो ठीक है, किसी का काम ही आ जाएंगे, जगह भी खाली हो जाएगी। काम तो मैं देती रहती हूँ, इसमें से मैंने कल इतना सारा सामान सारी काम वाली आंटियों को रिश्तेदारों को सबको भेज दिया है ऑलरेडी। और एक मैं परफ्यूम भी तो देख रहा था, बहुत सारे कहाँ है वो, ये है ना ये रहे। कुछ है मेरे लायक है, बहुत कुछ है तुम्हारे लिए, तो सब है। चलो तो लेता हूँ मैं, इनको भी दे दो कुछ। इनको पूरे सेवन स्टेप, एक एक फ्लैट का सेवन स्टेप अलग है, इनका रूटीन एक उनका, वो कल लेके बैठे हैं अभी परफ्यूम। और देख सोफे लेके सोफे पे ये जूते लेके बैठता है। परवेज ये क्या तरीका है जनाब, शाम के 5 बज गए, रोटी खा लो। लंच देखो मेरा 5 बजे हो रहा है, लंच यार हद हो गई, चलो बाहर ही चलते हैं खाते हैं। यहीं खा लो, यहाँ बैठ के नहीं खाऊंगा यार, चलो बाहर चलो, मजा नहीं आता बैठ को खाने। आ गए सर जी बाहर खाने, बस इन्हें पता नहीं ठंड में क्या होता है, ये बाबा की लोई और साजिद, तभी मैं बोल रही थी बेड पे खा लो। दिल्ली में कप कपाने वाली ठंड है, और मैं पूरा वर्ल्ड ही बोल सकता हूँ, बस उस लेवल की कप कपाने वाली ठंड है। और आप क्या कर रहे हैं, आपने खाना खाया? खा लिया। 5 बजे खाना खाया, बना कैसा है? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मस्त। 5 बजे खाना हो रहा है इनका, और रात को 12 बजे डिनर होगा, और साथ में मूली भी है। मूली भी है, प्याज भी है, गाजर भी है, ठंड में गाजर मीठी लगती है, गाजर के साथ मजा नहीं आता, गाजर भी खानी चाहिए ठंड में। चलो खाओ खाना फटाफट, उसके बाद करते हैं कुछ, मेरी वीडियो बनवा दो स्किन केयर की। डिनर पे जाएगी बाहर,
क्यों? तुमने तो बोला था। मैंने बोला स्कूल की छुट्टियां शुरू हो गई आज से, कल उठना नहीं है। वीडियो बना रही थी कुछ सेल्फ मेकअप की, तो तैयार होगी तो बोलते घर थोड़ा ना बैठूंगी, तैयार हो गया बाहर खिला लाओ। ये बात तो पूरी बताते नहीं है। तो मेरा आज एक ब्रांड का शूट है, मैं उसके लिए अभी रेडी होंगी रात को 9 बजे। मैंने कहा तैयार हो ही जाऊंगी तो कहीं थोड़ा ड्राइव ड्राइव पे खाना वाना खिलाने ले चलना। इसमें मैंने गलत क्या बोला? ये क्यों चलेगा? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ये क्यों चलेगा? ये कल घूम के तो आया है अपने दोस्तों के साथ। कोई बात नहीं, वैसे भी कबाब मंडी चाहिए नहीं। मैं तो मूवी देखने आ रहा हूं ना, डंकी। डंकी लोग डंकी देखने जा रहे हैं। डंकी है ये, डंकी देखने जा रहा है। डंकी गोइंग टू वॉच डंकी। यूएसए जाना है तो ऐसे ही किसी तरीके से जाना पड़ेगा ना, वीजा तो लग नहीं रहा। नहीं, सीधे तरीके से भी जा सकते हो तो वीजा लग ही नहीं रहा, तो मेहनत नहीं करेगा ना इसके लिए। दोस्तों देखो, ये मेरे को मास्क लगवा रही है, बोल रही थी मेरी वीडियो में मॉडलिंग कर लो, तो मैंने कहा ठीक है, मेरा बचपन से मॉडल बनने का मन था, मुझे मौका मिला, पर मुझे क्या पता था कि मॉडल बनने के लिए मुंह काला करना पड़ेगा। देखो गाइस, मैंने मॉडलिंग के लिए नहीं बोला था, मैंने बोला था तुम्हारे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स भी हो रहे हैं, मैं अपना मास्क लगा रही, तो साथ में कपल स्किन केयर करते हैं, ये ज्यादा भाव खाते हैं कुछ। एक तो मैं इन्हें प्रोडक्ट लगा के इनका मुंह अच्छा कर रही हूँ, ऊपर से इनकी ऐसी बातें भी सुनो। मुंह काला हो गया मेरा दोस्तों, मुंह काला हो गया, मुंह काला कहीं दिखाना। देखो मेरे को दिया काला वाला और खुद लगा रही है। तुम्हारे ब्लैक हेड्स हैं, मैंने ये वाला पिछले हफ्ते लगाया था ना, तो अब मैं खुद तो हल्क बन जाएगी। मैं तुम्हें ओवर पावर करके तुम्हें, ओ माय गॉड, वो तो तू अभी भी करती है, उसमें हल्क बनने की क्या जरूरत है। लगाओ लगाओ, इतनी स्किन अच्छी हो जाएगी ना फिर बाद में। वो कौन सा सुपर हीरो था जो काला हो जाता था? वेनम बना दिया दोस्तों मुझे, वेनम। चलो कोई बात नहीं, खैर करना पड़ेगा, बीवी है और अच्छा भी है यार, ये सारे ब्लैक हेड खींच लेता है। चलो हटाते हुए दिखाऊंगा एक बार। दोस्तों हल्क तैयार है और इधर आपका बैटमैन भी तैयार है। अब दोनों पंख निकालेंगे और उड़ जाएंगे। बैटमैन नहीं उड़ता है ना, हल्क उड़ता है। मार्वल की ऐसी मत कर, जोक मार रही थी यार, तुम तो जोक भी नहीं मारने देते। तो जोक भी तो मैच होना चाहिए सुपर हीरो के साथ, ना बैटमैन उड़ता ना हल्क उड़ता है, दोनों रियलिस्टिक सुपर हीरो हैं, बैटमैन ज्यादा है। दोस्तों देखो, पूरा मैंने बैटमैन वाला मास्क बनाने की कोशिश करी है, बन भी गया है। ये सींग भी निकाले हैं देखो मैंने, दो शहर शहर को दिखाऊं, डरेगी तो नहीं? नहीं डरेगी नहीं, उसको तो पता है, ये तो मैं लगाती रहती हूँ। हाँ तो फिर कोई फायदा नहीं है, मैं तो सोच रहा हूँ डर जाएंगे बच्चे। क्या हो गया, क्या हो गया? It's me, पापा। साहिर तो पूरे ड्रामे बाज हैं, डरे वरे हैं नहीं, बस ऐसे चीख रहे हैं। दोस्तों उतार रहा हूँ मैं इसको, ये देखो, आई आ, ये तो बड़ा मुश्किल है। मुश्किल तो नहीं है, पर ये देख रहे हो एकदम अंदर, ओ बेटे ये तो कुछ ज्यादा गोरा निकल रहा मामला अंदर से। लो मैं तुम अच्छे से कर दूंगी। आई मैंने क्या किया, कुछ जगह बालों पे लगा लिया है इसको। अच्छा आईब्रोज पे लगाया ना? हाँ हाँ हाँ, मेरे बालों पे लगाया। अच्छा प्यार प्यार से, ठीक है, एक झटके में खींच। नहीं पागल, अब ये देख रहे हो कीले निकल रही है यहाँ से, दिख रहे? हाँ पानी आ गया। बैटमैन बनना बहुत आसान है दोस्तों, थोड़ा दर्द झेलना पड़ेगा। निकल गए साजिद अच्छे से। अगर स्किन साफ करनी है तो ये देख रहे हो सब सफेद सफेद निकल रहा है, दिखाता हूँ उतारने का। तूने तो यार रेल बना दी, थोड़ा रुक जा आराम से, होश तो ले लेंगे। एक बार काम अब दिखाऊं कैसे अभी इसको मैं, सारे व्हाइट हेड्स बाहर आ गए, बढ़िया चीज थी। हालांकि मेरे आंखों में पानी तो आ गया हटाने में, क्योंकि आपके साथ भी होगा ये, मैंने गलती ये कर दी थी कि मैंने बालों पे भी लगा लिया था, इसलिए मेरा दम निकल गया। तुम्हारा कब हटेगा इसे मैं हटाऊंगा, ये धोने वाला है। बहुत चालू है ये, बहुत चालू महीना है ये। तो हो गया भाई, फेस मास्क उतार लिया है, चेहरा तो बड़ा चमकदार लग रहा है एकदम। थैंक यू बोलो। थैंक यू सो मच। बहुत दर्द हुआ, मैंने बालों पे लगा दिया था गलती से, तो कांड तो मैंने किया था, खैर बहरहाल प्रोडक्ट अच्छा था। थैंक यू सो मच शिल्पा। बाकी शिल्पा आजकल आप लोगों के लिए स्किन केयर वीडियोस बना रही है अपने चैनल पे, मेकअप बिगिनर्स के लिए घर पे कैसे करना है, चीज़ें करनी है, तो अगर आप इन चीज़ों में दिलचस्पी रखते हैं तो शिल्पा का फॉलो करें चैनल, वो वाला सब्सक्राइब कर लो, शिल्पा खटवानी नाम है चैनल का, जाओ देख लो, कुछ मदद हो जाएगी आपकी भी। तो बस आज के इस दिन को करते हैं यही खत्म, उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। खत्म नहीं करते दिन, व्लॉग खत्म करते हैं। हमको कहीं लेके जाओगे तुम? हाँ लेके जा रहा हूँ उसको डिनर पे, और कल गायत्री भी आ जाएगी तो फिर से बाहर आ जाएगी व्लॉग में एकदम टम टमा टम टम। चलो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, आई लव यू ऑल।